दोस्तों नमस्कार। रोशन रोही और किरण सिंह के मामले लगातार सोशल मीडिया में चल रहे हैं और अभी तक मामला शांत नहीं हुआ। यहां तक कि महिला थाना में उन्होंने एफआईआर किया जो कि किरण सिंह है, और लड़का जो है रोशन रोही नहीं आया। उसके बाद लगातार कई सारे मंच, महिला मंच के पास ये जो है कहानी गई है, लेकिन महिला मंच क्या की है वो सारी कहानी का हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम है, जो कि स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। ये बताइए रूपम, ये रोशन रोही और किरण सिंह के मामले इतने लंबे चल रहे हैं, अभी तक क्या हुआ? कुछ नहीं, केस खराब करने का काम किया गया कुछ रंगदार लोगों के द्वारा, और इस केस में अब होना जाना कुछ नहीं है। बस अब ये केस जो है खराब होता चला जाएगा। मतलब कि किसी लड़की का लाइफ बर्बाद हो रहा है, केस खत्म हो गया। सिर्फ लड़की नहीं, लड़के का भी छिछिलेदर हो रहा है। क्या छिछिलेदर हो, दर्शकों को बताइएगा आखिर हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे ना लड़की की गलती है ना लड़का का गलती है। लड़की में थोड़ा विवाद हुआ, उस केस को जो है मीडिया में लाया गया। मीडिया में लाया गया तो देखा गया, अरे कुछ रंगदार लोग देखे कि ये तो बिहार का जाना माना चेहरा होगा, इस केस में क्यों ना हम लोग घुस के और थोड़ा रंगदारी करके थोड़ा पैसा वैसा वसूल लेते हैं रोशन रोही से। हालांकि लड़की का केस, मतलब एक तरफ लड़का लड़की का लाइफ स्पॉइल हो रहा है, यहाँ पे रंगदारी वसूली जा रही है। एग्जैक्टली कौन है ऐसे लोग? है कुछ लोग, हम उसका नाम नहीं लेंगे, अपनी जुबान का नाम भी नहीं लेना चाहते और ना उसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं। बस यही है कि लोगों को हम आगाह कर रहे हैं कि बच्ची सही जगह जाइए। इसका मतलब महिला मंच तो विश्वास नाम का चीज नहीं रह गया। कोई विश्वास शुरू से नहीं था, शुरू से रूपम चिल्लाते आ रही है, तो आप लोग सब लोग बोलते थे रूपम जी चुप रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास सबूत है क्या, ये है क्या, वो क्या। हम बोले सबूत भी है और धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, अभी रूपम सिर्फ मुंह से बोल रही है, समय आने दीजिए सब कुछ होगा। लेकिन ये मंच तो करोड़ों लोगों के दर्शकों के बीच में आ चुके हैं, ये बोलती है फोबिया है भैया, इसको फोबिया है कि करोड़ों लोगों के बीच में हम सोशल मीडिया के माध्यम से रहे, अब वो रहते भी है। और इसका मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है। क्या है मार्केट स्ट्रेटेजी? देखिए नाम तो है जैसे भी है, महिला के नाम पे अपना जो भी चला रही है, लेकिन है ये रियलिटी पुरुष का, क्योंकि महिलाओं के पास इतना पैसा नहीं होता है, पैसा पुरुषों के पास होता है। पुरुष इसमें है? बिल्कुल। कौन पुरुष है? नहीं नहीं पुरुषों के पास। रिज्यूम कीजिए ना, रिज्यूम नहीं हो रहा है। बात ये है कि पुरुषों के पास पैसा होता है तो महिला आती है ये करने के लिए, यहाँ सेटलमेंट हो जाता है, पैसा लिया जाता है पुरुषों से, पतियों से पैसा ले लिया, अभी पत्नी भटकते रहे पूरे देश में। इसका मतलब कहीं ना कहीं रोशन रोही और किरण सिंह चपेटे में आ गई है। सिर्फ रोशन रोही नहीं, पवन सिंह, ज्योति सिंह, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, ये सारे लोग चपेटे में। पवन सिंह पैर छू रहे हैं अभी, जो जिसका भी है नाम मत लीजिएगा, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। अब वो महिला बड़ी है उनसे, तो पैर नहीं छुएंगे तो गला पकड़ेंगे, पैर ही नहीं छुएंगे, गला ही नहीं छुएंगे, तो फिर अब वो बड़ी है तो उसका सम्मान किया जा रहा है। तो यहाँ पवन सिंह की मैं बड़कपन है, मैं पवन सिंह का तारीफ करूंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी महिला का पैर छुआ जो उनको पहले गाली दे रही थी। ये महिला ऐसा देखती है जिसका पलड़ा भारी उसके पास पटाख से पहुंच जाना है, क्योंकि इधर ज्योति सिंह भी उसको भाव नहीं दिया, अक्षरा सिंह भी नहीं पहुंची, तब बचे पवन सिंह। तो पवन सिंह तो भैया पैर छुआई। लेकिन क्या रूपम आपको लगता नहीं है कि ये व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं आप, यार वाकई में ऐसा सीन चल रहा है? ऐसा सोच लीजिए, यहाँ कर रहे हैं व्यक्तिगत अटैक, कुछ कहना है, कर रहे हैं व्यक्तिगत अटैक, जिसको जो करना है जाओ करो। लेकिन आखिर आपके पास सबूत एविडेंस, यदि आपके पास कुछ है तभी तो किसी पे अटैक करेंगे। तो फिर आपके पास सबूत है? अभी तक रूपम अभी तक बिना सबूत के कुछ नहीं बोली है। बोली है क्या? जब जब जो जो बोली है आपके ऊपर भी केस कर सकती है, कर दे, करे ना। वो जानती है कि रूपम पे केस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रूपम के पास सारे एविडेंस है, सारे तथ्य है, सारे तथ्य पे मैं जवाब दूंगी और उसके बाद करूंगी मानहानि का केस कि मेरे खिलाफ तो ऐसा कुछ नहीं आया, लीगल प्रोसीडिंग का पैसा हमेशा लिया मैंने, लेकिन समाज के द्वारा अगर सोच मेरे एनजीओ के द्वारा कोई ऐसा काम आया तो मैंने पैसा नहीं लिया, तो यदि आप लूंगी, क्योंकि एनजीओ का ये काम नहीं होता है पैसा लेने वाला। लेकिन हालांकि अब लीगल प्रोसीडिंग से अगर अब जाएंगे, पहले पैसा नहीं लेती थी लीगल प्रोसीडिंग का भी, बहुत जगह लिया भी, क्योंकि अब सीनियर के अंडर काम करिए तो सीनियर को तो देना पड़ेगा ना, जैसे लीगल नोटिस में मैंने ड्राफ्ट किया। आपकी भी इंटर्न चल ही रही है अभी? हाँ इंटर नहीं, तो अब मेरा अथॉरिटी थोड़ा बढ़ गया है, अब लेवल बढ़ा है, प्रैक्टिकल लेवल पे आप काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कर दिए, क्योंकि जिसको नहीं पता है, लोगों को लगता है सिर्फ एडवोकेट के पास बहुत पावर है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि लॉ स्टूडेंट के पास क्या पावर है। फाइनल ईयर के बाद लॉ स्टूडेंट भी भाई साहब, लॉ स्टूडेंट ही तो एडवोकेट होते हैं, वही तो जज बनते हैं। नहीं, आप पहले सुनिए मैं क्या बता रही हूँ।
लॉ स्टूडेंट फाइनल ईयर से सीनियर के लाइसेंस पे आर्गुमेंट कर सकता है, बस फर्क इतना है कि खुद का लाइसेंस नहीं होगा। यानी कि रोशन रोही मामले में, किरण सिंह मामले में आप लोगों ने इसे क्लियर आउट नहीं कर पाया। मैंने क्या, मेरे पास केस आया है क्या? नहीं आया है, मीडिया आ रहा है। अब क्या हो सकता है इस पूरे मामले में? दोनों मीडिया में इतना बवाल हुआ, लगातार वायरल हुआ, मीडिया का तो काम है दिखाना, बट कोर्ट की बात करें या थाना की बात करें, उसने क्या किया? थाना ने कुछ नहीं किया। हाँ, जैसा मैं देख पा रही हूँ, थाना ने कुछ नहीं किया क्योंकि कोई गया ही नहीं थाना के पास। ओके, थाना के पास जाओ, सबूत ना बात, आप मुंह से बोलिए कि हम थाना गए कुछ नहीं हुआ, उस पर रिलाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। जैसा कि अब केस जो है महिला मंच के पास है, यानी बीना मानवी के पास, कौन अथॉरिटी है, कौन सा अथॉरिटी है कि उसके पास केस रहेगा? हम नहीं मानते। वही देख रही है इस मामले में, क्या है वो जज है, वकील है, वो कह रही है कि महिला मंच के, महिला मंच क्या अथॉरिटी है हमको बताइए आप? महिला मंच का ये अथॉरिटी है कि वो केस देखेगा? आप कहिए कि महिला मंच एक फर्जी कोर्ट है। हाँ, आप इसको स्वीकार करिए। वो तो कह रही है लाखों रुपया का वहाँ उगाही करती है। वो तो कहती है कि हमारा पास एविडेंस है, मेरे पास एनजीओ है, बजाबते हम काम कर रहे हैं, कई लड़कियों को रेस्क्यू करवाए हैं। किसको करवाए हैं? हमको लाइए, मेरे पास लाइए, आप लाइए ना, हम ला देंगे। अभी हम कुछ जवाब नहीं देंगे, हम ला देंगे जिसको लाना है। आप नहीं लाइएगा लेकिन हम ला देंगे। कितनी महिलाएं रोते रोते मेरे पास कॉल करती है, लेकिन अब उस महिलाओं को ऑन कैमरा हम लाना नहीं चाहते हैं। क्यों छीछी लेदर करवाएं किस बेचारी के साथ? क्या उनके पास रजिस्टर्ड संस्था नहीं है? रजिस्टर्ड तो है, इसमें नो डाउट, बिहार का रजिस्ट्रेशन है। ओके, वो जो झंडा गाड़ती है कि मुंबई, कलकत्ता, 18 जगह, 20 जगह, ये सारा उनका ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज नहीं है बिल्कुल, सिर्फ बिहार में ऑथराइज है। क्या तो महिला का केस लेने में वो ऑथराइज नहीं है? यहाँ पे ऑथराइज है लेकिन केस लेने में नहीं है बाबू भैया। कैसे नहीं है? केस लेने में है ही नहीं क्योंकि लीगल अथॉरिटी है ही नहीं उसको। वो हजारों केस ले रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आप लोग को बेवकूफ बना रही है और आप लोग बन भी रहे हैं और कुछ जनता भी बन रही है जो वहाँ जा रही है और फिर वहाँ पे पैसा उगाही का काम होता है। और पेन बोलती हूँ लेकिन वो क्या बोलती है कि फंडिंग हो रहा है। फंडिंग किस लिए होता है पता है आपको? फंडिंग भी किया जाता है कि आप गरीब की सेवा करेंगे, महिलाओं की सेवा करेंगे, जिसमें वो एक चीज कर भी रही है। उसका पीछे एक चीज अभी वो की है, उनका दिमाग देखिए, उनको हम ही पहचान सकते हैं। मशीन वाला जो काम करवा रही है उसमें वो सबको दिखाएंगी, रजिस्टर्ड पे सबको वो दिखाएंगे कि हम ये काम दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे भी तो इनकम आ रहा है, उसको भी आप दे रही हैं। बहुत सारा इसका माइंड गेम बहुत आगे तक जाने वाला। देखिए, सुनने में आया है कि कई महिला संतुष्ट हो रही है, मैक्सिमम महिलाएं संतुष्ट नहीं है, वहाँ पे जाती है, कई पुरुष भी अब जाते हैं उस मंच में। सबको ये हम बताते हैं, अब सबको ये बोला जा रहा है कि आइए मेरे पास काम करिए, महिलाओं को पापड़ है तो ये है तो वो है, छोड़ो ना, क्या केस मुकदमा में रखा हुआ है। हम रोजगार देते हैं, वेल एंड गुड, रोजगार देना अच्छी बात है, तो अब अपना जो केस मुकदमा है वो हटाओ। जो पीड़ित, अब इसका गेम समझिए कि पीड़िता आएंगी, उनको फ्री में रखेंगे, वो काम करेंगे, उसका पैसा देंगे, तो इसमें उसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है। शी इज अ बिजनेस वुमन, बिजनेस वुमन, सोशल वर्कर, शी इज नॉट अ सोशल वर्कर, शी इज बिजनेस वुमन। लेकिन उनको समझिए, लेकिन उनका स्टार्टअप सोशल वर्कर से ही हुआ था, जो हजारों केस बोली हम देखे हैं, पोस्टर बैनर लगाई हुई है, रोड पे प्रदर्शन करती है कि महिला प्रदर्शन करती है, मतलब कि नहीं, पोस्टर फाड़ दिया, पोस्टर फाड़ दिया, कैसे, कौन फाड़ सकता है? तलवार लेकर मिट्टी का जो कर रही थी वो लीगल था, वो लीगल है। वो एक अंधा भी कह देगा कि ये लीगल नहीं है, अंधा भी, अनपढ़ भी, यानी कि तलवार प्रदर्शन कहीं ना कहीं वो इलीगल है, इलीगल है, कहीं ना कहीं, नहीं ये इलीगल ही है, फाइनली इलीगल है ही नहीं। ये लॉ को खुलेआम ऐसे अंगूठा दिखाती है तलवार के माध्यम से, कोई कुछ इनका कुछ नहीं बिगाड़ता, कोई कुछ बिगाड़ता नहीं है, सब बिगाड़ेगा। आप इंतजार तो कीजिए, रूपम है ना, हमारे ऊपर रूपम बैठी हुई है, भले रूपम भले बहुत कम उम्र की है लेकिन अच्छे अच्छे को पानी पिलाई हो, जैसे जब भी तब तुम रूपम का नाम लेती होगी एक गिलास पानी पीती होगी। कुछ लोग कहते हैं रूपम भी बहुत फड़फड़ाती है, क्यों? बहुत फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाएंगे, पंख है भाई, फड़फड़ाएंगे, मेरा पंख हम फड़फड़ाएंगे ही, मुंह से भी बड़बड़ाते हैं, ऐसा भी बोला गया है कि बड़बड़िया से बोल देता। हाँ, तो चुप करके दिखाओ ना इसको, चुप करके दिखाओ। अगर हम नहीं बोलते ना भैया, आज बहुत लोग अवेयर हुआ है, इस बात को आप मानिए या नहीं मानिए, बहुत लोग इस चीज से अब अवेयर हुआ है और वहां जाने से रुकता है, जाने से कतराता है, रुकता है, बहुत लोग रुका है। रोशन रूही क्यों नहीं गया वहां? वो सीधा बोला, बोला ना, वो है क्या, वो हो क्या, यानी कि रोशन रूही नहीं गया, नहीं गया, लेकिन किरण सिंह चली गई, चली गई। अब सोचिए, जहां उसको किरण सिंह को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, वो ऑथराइज्ड है ही नहीं, भगवान मेरे, नहीं है ऑथराइज्ड वो, तो किरण सिंह का लाइफ स्पॉइल हो गया बिल्कुल। अब उसका केस बहुत खराब हो गया, रंगदार लोग को पहुंची थी लेकर वहां नवादा, और आज और बोलिए एक चीज समझिए,
रंगदार लोग उसमें से एक से बात हुआ मेरा आज सुबह, वो बोले, हम उनसे बोले कि देखिए हम केस वेस हम नहीं करवाए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमला हुआ है ना आप लोगों पे, तो कहां कोई हमला हुआ है, कोई हमला नहीं हुआ है, वो तो ऐसे ही बोल दिया गया है मीडिया में, सेल्फ डिफेंस में बोला गया है। अच्छा, यानी क्या मर्जी है कि भाई किसी के घर में घुस जाना नवादा में, आप कैसे घुस सकते हैं? रंगदार का ये काम है, बिहार है ना, तो बिहार में रंगदारी कभी कोई छोड़ेगा थोड़ी, वही रंगदारी वो कर रही है, लेकिन रंगदारी जो छुड़वा के रहेंगे हम, कानून का कलम का रंगदारी चलेगा। हाँ, कहते हैं कानून का कलम चलेगा, तुम्हारा रंगदारी नहीं चलेगा। लेकिन क्या यही रंगदारी करके अपना टीआरपी वसूल रही? एग्जैक्टली। लेकिन हम आप लोगों को कहेंगे कि बात पता है, ना उसका तस्वीर लगाइएगा इस पे, नहीं मेरे को बोल मत बोलिए, मैं बिल्कुल खोल के बात करता हूँ। खोल के आप बात कर रहे हैं ना, इससे क्या होगा पता है, फिर एक उसको टीआरपी मिलेगा। नहीं, समझिएगा चीजों को, अगर आप उसका फोटो लगाएंगे फिर उसका टीआरपी, अच्छा इसी को बोला जा रहा है, फिर उसका नाम लेके फिर उसका टीआरपी, इससे क्या होगा, गलत चीजों को हम लोग भी बढ़ावा देंगे विरोध करके, लेकिन लोग समझ जाएंगे, लोग समझ जाएंगे, बिल्कुल समझेंगे और समझ रहे हैं। अब लगा के तो देखिए, आप चिंता मत करिए, हम बोल रहे हैं लगा के आप देखिए, लेकिन विदाउट किसी का। कई लोग मेरे सोशल मीडिया में लगातार करोड़ों वीडियो मिलियंस में गया, और उसमें कई लोगों ने कमेंट किया कि लगता है बीना मानवी ने फिर इसका मैटर गड़बड़ा दिया, या फिर जाकर के हल्ला कर दिया, तोड़फाड़ कर दी, थाना पुलिस लेके चली गई। थाना पुलिस का भी राइट नहीं है विदाउट वारंट किसी के घर में घुसना, विदाउट वारंट, अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट होना। लॉ क्या कहता है इसमें, रंगदारी का हो जाएगा मामला। बिल्कुल, आप इंटेंशनली कॉमन इंटेंशन के साथ आप पहुंची हैं उसके घर पे रंगदारी करने, उसको डराने धमकाने, हो सकता है कि आप मारने पहुंची हो, कहीं ना कहीं वहां का भी मामला स्पॉइल हो गया पूजा गणेश का। और यदि रोशन रोही की बात करें, किरण सिंह का, यहां भी मामला स्पॉइल कर दिया गया। पवन सिंह ज्योति सिंह का मैटर कहां, मतलब किसी चल रहा है सही? बिल्कुल नहीं, क्या पहले बोल के गई थी हम तो मैनेज करके जाएंगे, अब मुंबई गई थी मैनेज, और फिर बोला गया क्या कि हम सॉर्ट आउट कर देंगे, अब वो एक टेबल पे बैठने वाली है, अब क्या हो रहा है, फिर से बोल रही है, अब नहीं हम जो बोले वही सच हुआ, साथ में डिनर हुआ है सभी का। डिनर हो गया तो क्या हो गया भैया, वहां पहुंची है तो पवन सिंह भगा थोड़ी देंगे, क्या गलत बोल रहे हैं, डिनर तो हुआ इसमें हम भी मान रहे हैं, तो वहां पहुंच गई, हालांकि घूमते फिरते पहुंची है और उनको बहुत लोगों ने लताड़ा है, तब वो ईगो पे लेके पहुंची है वहां पे, लेकिन काम नहीं बना, लेकिन झोला लेकर गई थी, पैसा नहीं आया इस बार, पैसा नहीं आया, ये ऐसा अनुभव, मतलब पैसा का वहां पे इंतजार था कि पैसा मिलेगा मुझे झोला भर के, हो सकता है यही होगा, लेकिन बिना पैसा का बिजनेस वुमेन कहीं जाएगी? लेकिन सोशल मीडिया में तो बात यही है ना कि कोई महिला मंच मुंबई तक जाती है कोई केस को डिलीवर करने के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो टीआरपी और व्यू के लिए गई, अगर टीआरपी और व्यू के लिए नहीं जाती ना, तो एयरपोर्ट पे सारे मीडिया कर्मी को क्यों बुलाया गया था, सोचिए। ओके, तो फाइनली अब बता दीजिए, एक एज अ लॉ स्टूडेंट, रोशन रोही मामले में, किरण सिंह के मामले में क्या होगा फाइनली? अब मैं देखिए, रोशन रोही के मामले में कुछ होना जाना वैसा है नहीं, बस वो केस मुकदमा होगा कि मेरे घर पे चढ़ के तोड़ फोड़ किया, मेरे को मानहानि किया, मेरे डिग्निटी को हार्म किया, दैट्स इट, और कोई कुछ होगा नहीं। हालांकि लेकिन एक चीज कहूंगी, सेटलमेंट हो सकता है प्यार से, केस मुकदमा में कुछ नहीं रखा है, आइए मेरे पास आइए, मैं इसका, अगर आपको केस करना है चाहे वो रोशन रूही हो या वो किरण हो, आइए हम बताते हैं नतीजा क्या होगा इसका, और हम तरीका भी बताएंगे, किरण को भी तरीका बता ही दीजिए, थोड़ा तरीका ऑन कैमरा नहीं बताएंगे, अब बताते हैं, हम जाते कहीं और है। ओके, यानी कि रिवील आप नहीं करेंगे, फ्री का ज्ञान नहीं बांट सकते, बिल्कुल अब तो नहीं भैया, अब जो भी आएगा एकदम सीधा पैसे से हम काम करेंगे। ओके ओके, बहुत जो दूसरा लोग पैसा दे रहा है उसके पास आप माइक लेके पहुंचते हैं, और जो फ्री में काम कर रहा था, फ्री में कितने लोगों की मदद किए हम, अभी आपके सामने ना फोन आया है पूजा का, अरेस्ट हुआ ना लड़का, कोर्ट में चल गया ना बात, कैसे गया, प्रमोद प्रवी वाला केस का आप लिए थे न्यूज, मेरे को अच्छे से याद है, वो लड़की नाउ शी इज प्रेग्नेंट, पता है नहीं पता होगा, फिर मामला रफा दफा किया गया, रफा दफा नहीं किया, सुलटाया गया, शादी करवाया गया, और आज खुशी खुशी वो लड़की प्रमोद प्रेमी के घर में रह रही है उसके भाई के साथ, खुशी खुशी। लास्टली अपडेट, चांदनी केस में फाइनली जो है, केस में देखे थे कितना, उसमें भी प्रतीक का जेल जाना क्लियर नहीं हुआ है अभी, उसमें भी 50 एनजीओ घुसी थी, तो वहां से हम बैकआउट बैकफुट ले चुके हैं, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता। ये फाइनली स्मृति ने कहा कि उसका ज्वेल रिजेक्ट हो गया, दैट मींस अभी फंसा हुआ, बेल तो रिजेक्ट हो गया है। हाँ, बेल, क्योंकि मैंने बोला था कि देखिए किसी एनजीओ के चक्कर में मत रहिए, कानून ही आपको जो करेगा सो करेगा, कानून के सिवा कहीं बदमात, वहां पे कई, वहां पे जितने महिला मंच है किसी का नहीं चल पाया, किसी का नहीं चलेगा, चलेगा, पढ़े लिखी लड़की थी वो, बिल्कुल किसी का नहीं चला, और मैंने जो बोला मेरा चला, मैंने डायरेक्ट बोला था कि दीदी
कहीं मत जाइए, हम लॉ के स्टूडेंट क्या हुआ, हम आपको दीदी बोलते हैं, और आपको याद होगा हम बोले भी थे ये चीज, और हम उनके शुरू से आप देख रहे थे, प्रतीक के पापा से भी बात करवाया था, मैंने ही नंबर दिलवाया था, तो वो सारा प्रकरण भी देख लीजिए। ओके, भले रूपम छोटी है लेकिन कानून से लड़ना, कानून के साथ रहकर लड़ना लोगों से आता है, और अच्छे अच्छे को पानी पिलाना भी आता है, भले मेरे उम्र के बारे में कुछ भी टिप्पणी की जाए कि वो फड़फड़ाती है, टिप्पणी करने वाले लोग करते ही रहेंगे, तो जिसका नाम होता है उसी को बदनाम भी किया जाता है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम से बातचीत हुई, रोशन रोही और